हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 8 भूत चुंबकत्व के अंदर मैं आपको बताऊंगा भूत चुंबकत्व और भूत चुंबकीय अवयव। मैं बहुत जल्द ही ऑनलाइन वीडियो क्लासेस आरंभ कर रहा हूं। आप में से जो भी ऑनलाइन वीडियो क्लास अटेंड करना चाहता हो वो मुझसे विद्यालय में आकर के संपर्क करें। भूचुंबकत्व अर्थ मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और इसका दूसरा एक नाम है और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो हमारी पृथ्वी जो होती है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और इसी गुण को हम भूचुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती हैं इस गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। Our earth behaves like a magnet and this property is called the terrestrial magnetism or earth magnetism। अब पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व होता है तो इसका प्रमाण क्या है? भूत चुंबकत्व के प्रमाण पहला है इसमें किसी दुंड चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो स्थिर अवस्था में चुंबक सदैव NS दिशा में रुकती है। यानी किसी जैसे ये मैग्नेट है और ये इसका यहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र है और इसको हम ऐसे सस्पेंड कर दें तो ये हमेशा NS डायरेक्शन के अंदर रुकती है, जो है यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। तो प्रश्न ये है कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा ही रुकती है, चाहे आप चुंबक को कितना ही विचलित कर दीजिएगा, जब वो स्थिर अवस्था में आएगी तो हमेशा NS डायरेक्शन के अंदर ही होगी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये तभी संभव हो सकता है जबकि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करे। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं तो ये इसका नॉर्थ और साउथ। तो ये फ्रीली रोटेट के लिए होनी चाहिए और जब ये स्थिर होगी तो ये अपने आप नॉर्थ साउथ के अंदर रुक जाएगी। तो ये इसका पहला प्रमाण है इसका ध्रुवीय। इसका दूसरा प्रमाण, किसी लोहे की छड़ को पृथ्वी में गाड़ देने पर कुछ समय पश्चात उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। कोई भी लोहे की छड़ है, जैसे ये कि लोहे की छड़ है, अब इसको हम एनएस डायरेक्शन के अंदर इसको गाड़ दें इस तरीके से गहराई में, और फिर इसको हम कुछ महीने बाद इसको निकालें तो आप देखेंगे कि वो जो चुम्बक है वो लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर देती है। तो इसका मतलब यह है कि जब गाड़ा था उस समय तो वो चुंबकत्व नहीं था उसके अंदर, लेकिन गाड़ने के बाद जब खुद से पश्चात तो उसको निकाला तो उसमें लोहे की फिलिंग्स को उसको आकर्षित करने का गुण उसमें आ गया। इसका मतलब है कि उसमें चुंबकत्व आ गया। तो ये दूसरा प्रमाण है जिससे कि ये पता चलता है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तीसरा पॉइंट है उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। मैंने आपको उदासीन बिंदुओं के बारे में बताया था कि उदासीन बिंदु वो बिंदु होते हैं जहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो पृथ्वी पर अगर हमें उदासीन बिंदु मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई एक तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, फिर वहाँ दूसरा एक चुंबकीय क्षेत्र और होना चाहिए। तो वो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। तो यानी कि ये इस बात का प्रमाण करता है कि पृथ्वी में भी चुंबकत्व होता है। तो ये ऐसे प्रमाण हैं जो पृथ्वी के चुंबकत्व को व्यक्त करते हैं। अब इसमें पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व होता है तो फिर इसकी स्थिति क्या होती है इसके अंदर, वो आप इसमें चित्र से देखिएगा। इसमें ये पृथ्वी है, ये इसका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये जो इसका नॉर्थ और साउथ होता है ये इसका घूर्णन अक्ष होता है। तो घूर्णन अक्ष के अबाउट ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। तो ये जो इसका जो एक पार्ट होता है जहाँ पर इसकी नॉर्थ डायरेक्शन आपको दिख रही है, ये साउथ डायरेक्शन आपको दिख रही है, तो इसको हम कहते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। तो ये कहलाता है भौगोलिक एन ध्रुव और ये कहलाता है भौगोलिक एस ध्रुव। तो हम इसको कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये कहलाता है साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी कि इसको हम पूरी पृथ्वी को है तो इसको हम दो जो भूमध्य रेखा है इस पर से हम देखें तो भाई आधा गोला इधर की तरफ है और आधा गोला इधर की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि ये अर्ध गोला कहलाता है इसका, जिसको हम और ये इसका इधर की साइड में इसका अर्ध गोला कहलाता है। तो ये इसका उत्तरी ध्रुव की तरफ है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। तो अब इसमें जो इसका मैग्नेटिक इसका एक्सिस होता है, इस एक्सिस से अगर हम देखें तो जो चुंबकत्व होता है वो इस तरीके से है इसमें। ये होता है यहाँ पर S और यहाँ पर होता है इसका N। साउथ है तो यहाँ नॉर्थ है तो साउथ, ये N और ये S। ये इसका चुंबकीय यमोत्तर कहलाता है और इसकी जो चुंबकीय अक्ष कहलाता है ये जो ही, और ये चुंबकीय अक्ष होता है वो इस भूगोलिक इस अक्ष से 11.7 डिग्री पर होता है जो ही। तो जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो इस तरीके से फॉल करती हैं इस पर जो ये। इस तरीके से तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पृथ्वी का जो एन ध्रुव होता है उधर की तरफ, इसका पृथ्वी के चुंबकत्व का यहाँ पर इसका साउथ पोल होता है। तो हम ये कहें कि पृथ्वी के एन ध्रुव पर इसके अंदर जो मैग्नेट होता है, तो इस एन ध्रुव की तरफ, क्योंकि ये मैग्नेट जब हम सस्पेंड करते हैं तो एन एस डायरेक्शन के अंदर रुकती है, तो यहाँ चुम्बक का मैग्नेट होता है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का यहाँ पर साउथ पोल होना चाहिए जो है, ये साउथ पोल होना चाहिए। भूचुंबकत्व का एस ध्रुव होता है तथा पृथ्वी के एस ध्रुव, ये इसकी एस ध्रुव की ओर भूचुंबकत्व का एन ध्रुव होता है। तो यानी क्या है कि एस जो ध्रुव है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है और जो नॉर्थ ध्रुव जो होता है वो साउथ हेमिस्फीयर में होता है। अब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर कहाँ पर है? ये कनाडा में है, और ये यहाँ पर जो एस ध्रुव है ये अंटार्कटिका के अंदर है। तो अंटार्कटिका के अंदर तो क्या होता है, इसका नॉर्थ पोल होता है चुम्बक का, और इसका जो होता है वो यहाँ पर साउथ पोल होता है। तो ये कनाडा के पास में यहाँ पर एन ध्रुव है, भूगोलिक एन ध्रुव, और वहाँ पर इसके अंदर जो मैग्नेट होती है जो उसका एस ध्रुव होता है। तो इस तरह से पूरी जो पृथ्वी है वो, ये कि आप ये मान सकते हैं पूरी एक मैग्नेट रखी हुई है और ये एक पूरे एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब ये एक्चुअली मैग्नेट कहाँ पर है, कैसे है, ये अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है। तो सिर्फ इतना है कि भाई ये इसमें मैग्नेटिज्म होता है इसके अंदर, और ये तथ्य बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है कि हमारी पृथ्वी जो होती है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। भूचुम्बकीय अवयव। अभी अवयव क्या होते हैं भाई? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए तीन तथ्यों का जानना आवश्यक होता है, जिन्हें हम भूचुम्बकीय अवयव कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुम्बकीय अवयव कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुम्बकीय अवयव कहते हैं। सो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट एनी प्लेस द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर ये तीन भूचुम्बकीय अवयव होते हैं। भूचुम्बकीय अवयव नंबर एक होता है दिक्पात कोण। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दूसरा होता है नमन कोण, नमन या नति कोण, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और तीसरा होता है भूचुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसमें एक एक करके इन तीनों ही एलिमेंट्स को देखेंगे। जो तो पहला हम इसमें लेते हैं दिक्पात कोण। किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अब ये चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर क्या होते हैं, तो वो जैसे किसी मैग्नेट है, अगर हम उसको गुरुत्वाकर्षण से बांध करके लटका दें और जब वो स्थिर अवस्था में आए तो उसके तल के लंबवत और उसके चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय अक्ष से जो तल पास होता है उसे हम कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर, सॉरी चुंबकीय यामोत्तर। तो जैसे ये मैग्नेट हैं और मान लो कि ये इस तरह से रहती है, तो हम इस तरह से, जैसे मेरा ये हाथ है, जो ये हाथ है, तो ये चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा इसका जो ये। और भौगोलिक यामोत्तर जो इसकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है पृथ्वी की, उससे अगर कोई तल पास होता है इस तरीके से, तो हम उस तल को कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। तो आप ऐसे मानिए कि ये पृथ्वी है, ये इसका एन और ये एस, और अब यहाँ पर ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब यहाँ पर ये जो तल जो होता है इस तरीके का, ये जो तल है, ये जो आपने तल बना दिया, ये कहलाएगा इसका भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर जैसे इसके ये चुंबकीय ध्रुव होते हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ पर ये पृथ्वी का यहाँ पर साउथ पोल होता है और यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल होता है। अब यहाँ से जो इसका तल पास होगा इस तरीके से, तो ये चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। अब इनके बीच में जो कोण बन रहा है जो है ये कोण कहलाएगा दिक्पात कोण। और दिक्पात कोण को थीटा से डिनोट करते हैं जो है इसमें, तो ये है इसका भौगोलिक यामोत्तर। और ये जो कहलाता है इसे कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अब यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो दिक्पात कोण होता है, ये दिक्पात कोण, तो ये दिक्पात कोण जिसके आप नॉर्थ और साउथ पर ले में, तो इसका मान 0 के बराबर होगा जो ये। एन ध्रुव तथा पृथ्वी के एन ध्रुव तथा एस ध्रुव पर दिक्पात कोण इक्वल टू 0 डिग्री, और भूमध्य रेखा पर दिक्पात कोण इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जहाँ पर दिक्पात कोण का मान समान होता है, अगर ऐसे पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो उसको समदिक्पाती रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर दिक्पात कोण समान होता है। इन स्थानों को ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदिक्पात रेखा कहते हैं। तो ऐसे कुछ ही बिंदु होते हैं, अगर ये सारे ऐसे पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो एक सरल रेखा बनती है और उसी सरल रेखा को हम समदिक्पाती रेखा कहते हैं। तो ये है दिक्पात कोण। दूसरा है नमन कोण। जैसा कि इसका नाम ही है नमन का मतलब झुक जाना, तो क्या होता है कि चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह क्षैतिज से कुछ कोण पर झुक जाती है, जिसे नमन कोण कहते हैं। चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह क्षैतिज से कुछ कोण पर झुक जाती है, इसे नमन कोण कहते हैं। तो जैसे मैग्नेट वैसे ऐसे क्षैतिज रहनी चाहिए, लेकिन क्षैतिज ना होकर के ये ऐसे झुक जाती है। तो ये कितना इस क्षैतिज से झुक गई है, उस कोण को हम नमन कोण कहते हैं। जो है तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये मैग्नेट है इस तरीके से, और आपने इसको तो ये शो करता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B, और ये होता है इसकी क्षैतिज दिशा BH। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके, ये क्षैतिज से जितना ये झुक जाती है, इसको हम कहते हैं नमन कोण। तो ऐसे भी कहते हैं पृथ्वी के क्षैतिज घटक और पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो कोण होता है, उसे हम नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रीय घटक के बीच कोण को नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज घटक के बीच कोण को नमन कोण कहते हैं। तो अब हमें ये तो इसके दो एलिमेंट हो गए। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो नमन कोण होता है वो ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, और इसको थीटा से डिनोट करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखें इसमें कि ये जो ध्रुवों पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री भूमध्य रेखा पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर नमन कोण के मान समान होते हैं उसको। समान नते कोण के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समनति रेखा कहते हैं। समान नत कोण के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समनति रेखा कहते हैं। तो मतलब क्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया था इसमें पृथ्वी के दिक्पाती समदिक्पाती रेखा, वैसे ही इसमें समनति रेखा होती है। तो इसमें तो अब इनमें संबंध क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो इसमें हम देखेंगे। तो ये तो अब इसका आ गया तीसरा पार्ट। क्षैतिज घटक BH। तो अब इसमें क्या है कि भाई जैसे ये हम इसका ये मैग्नेट से सस्पेंड की गई है, ये इसका यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र B और यहाँ पर होता है इसका BH, इसका क्षैतिज घटक है और यहाँ पर होता है BV यानी कि ऊर्ध्व घटक। और ये जो कोण होता है ये है नति कोण थीटा। तो मान लेते हैं, माना पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू बी, और नमन कोण इक्वल टू थीटा। अब इसको हम कंपोनेंट कर दें तो क्षैतिज घटक इक्वल टू बी एच, तो आप इसमें देख सकते हैं कि बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा, इसको हम एक नंबर डाल दें। ऊर्ध्व घटक इक्वल टू बी वी, तो बी वी इक्वल टू बी साइन थीटा, ये नंबर दो। अब इसमें क्या करें, अपने पास दो समीकरण हैं, दोनों से हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं और इसका नमन कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण दो में एक का भाग देने पर, अगर इसका हम भाग दे देंगे तो आपके पास आ जाएगा बी वी अपॉन बी एच इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। अब यहाँ से बी इसमें से कैंसिल कर देंगे तो अपने पास बचेगा ये टेन थीटा, बी वी अपॉन बी एच इक्वल टू टेन थीटा। तो ये रिलेशन आ गया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक तथा उसके क्षैतिज घटक का जो अनुपात है वो नमन कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। तो ये एक तरह से ये कि स्पर्शज्या नियम भी है इसका जो है। और अगर समीकरण एक और दो का वर्ग करके जोड़ दें समीकरण एक व दो को वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो इसमें क्या है भी, एक तो है आपका बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इक्वल टू बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा इसका स्क्वायर। सो ये बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन ले लें इसमें से तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक के बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वसमका है ये। तो यह हम इसको ऐसे कहें बी इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपको बी एच और बी वी इसमें मालूम है तो आप इसमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इसका बी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है इन सब में आपस में रिलेशन, बी वी अपॉन बी एच इक्वल टू टेन थीटा और बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी वी स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि कभी कभार बोर्ड के अंदर इसमें से ही भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर मान लो दोनों घटक बराबर हों तो फिर नमन कोण कितना होगा, या मान लो कि दोनों घटक बराबर तो इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इसका जो है। तो ये इसके कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर आता है। विशेष बस्तियाँ। जैसे हम ये लेवें कि भाई यदि BV इक्वल टू BH तो tan थीटा इक्वल टू होता है आपका BV अपॉन BH। अब ये दोनों बराबर हैं, हम इसको B डैश मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका B डैश अपॉन B डैश, तो ये आ जाएगा 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यानी कि जिन स्थानों पर दोनों ही घटक बराबर होते हैं वहाँ पर नमन कोण का मान हमेशा 45 डिग्री होता है। आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जिन स्थानों पर नमन कोण 45 डिग्री होता है वहाँ पर BV और BH दोनों ही बराबर होते हैं। अब इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? परिणामी B इक्वल टू स्क्वायर रूट होता है BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। अब दोनों बराबर हैं तो BH स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2 BH स्क्वायर और ये इक्वल टू BH रूट 2, ये इक्वल टू B। या मान लो कि हम इसमें BH को BV के बराबर कर दें तो ये आपका आ जाएगा BV स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर हमने इसको बराबर ले लिया, आप इसको B डैश ले लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा B डैश स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसमें क्या है कि आपको जो चीज़ ज्ञात हो उसके हिसाब से इसमें रख करके आप इसके कोण को ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जो ये कि पृथ्वी के जिन स्थानों पर किसी स्थान पर क्षैतिज घटक और उसके ऊर्ध घटक समान है तो वहाँ पर नमन कोण का मान कितना होगा। और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि अगर जो ध्रुव जो होते हैं ध्रुवों पर BH इक्वल टू 0, तो BH इक्वल टू 0 होता है तो इसलिए tan थीटा इक्वल टू BV अपॉन BH, तो ये BV अपॉन 0 ये इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ध्रुवों पर जो नमन कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है जो। और अगर हम इसी को भूमध्य रेखा पर देखें भूमध्य रेखा पर BV का मान इसमें 0 के बराबर होता है। एक चीज़ और देखें, इसमें अगर हम इसी स्थान पर देखें इसका परिणामी B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। अब BH का मान इसमें 0 के बराबर है, ये 0 प्लस BV स्क्वायर, तो ये इक्वल टू BV, तो ये इक्वल टू B। इसी प्रकार भूमध्य रेखा पर BV इक्वल टू 0, वर्टिकल कंपोनेंट का मान इसमें 0 के बराबर होता है तो tan थीटा इक्वल टू BV अपॉन BH और ये 0 अपॉन BH, ये इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 0, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा पर जो इसका नमन कोण होता है वो 0 के बराबर होता है। अब यहाँ से इसका हम परिणामी निकालें, इसमें परिणामी B इक्वल टू स्क्वायर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो ये इक्वल टू स्क्वायर रूट बी एच स्क्वायर, बी वी का मान शून्य के बराबर है तो ये इक्वल टू बी एच, ये इक्वल टू बी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि उस स्थान को बताइए जहाँ पर कि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उसके क्षैतिज घटक के बराबर होता है, तो ये भूमध्य रेखा पर आप बताएंगे। और जहाँ ऐसे पूछा जाए कि भाई वो स्थान बताइए जहाँ पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊर्ध्व घटक के बराबर होता है, तो ये यहाँ पर आप ध्रुवों पर बताएंगे। अब चाहे एन ध्रुव अथवा एस ध्रुव, इन पर हमेशा इसका मान शून्य के बराबर होता है। तो ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और उसके बारे में जानकारी। इसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन अनेक प्रकार के पूछे जाते हैं, कभी कभार बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का भी आ जाता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान रखें और इसको लर्न करें। थैंक यू।